फ्रेंड ईपीएससी केमिस्ट्री का यह 7th पार्ट है। इसके बाद एक पार्ट और मैं लेके आऊंगा जो 3rd यूनिट पे बेस होगा, वो इम्पोर्टेंट भी है। इसमें भी आपका जो है ये जनरली अगर देखा जाए तो इसमें 3rd यूनिट के ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है, 3rd 4th यूनिट के ज़्यादा क्वेश्चन है। 1st यूनिट के एक दो क्वेश्चन मिले, कुछ क्वेश्चन भी 1st यूनिट के भी मिलेंगे, तो ये भी देख लेना। और 8 पार्ट को मिस बिल्कुल मत करना, क्योंकि 8 पार्ट में जो भी क्वेश्चन है वो सिलेक्टिव क्वेश्चन है, तो मे भी आपको क्वेश्चन फंस जाए एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका ये पार्ट, ठीक है। इसमें एक्चुअली मैंने 30 क्वेश्चन था, लेकिन मैं कुछ कट करके मैंने जो है कुछ क्वेश्चन हटा दिया है, उसमें मैं 26 क्वेश्चन रखा हूँ, क्योंकि तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके सिलेबस में नहीं थे, जैसे मेंटल क्वेश्चन थे, कुछ थोड़ा अलग थे, थोड़ा ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये पार्ट। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है आपका, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, डेथ रिपोर्ट आर रिलेटेड टू सिंगल ओकेजन अ सिचुएशन, किसी सिंगल ओकेजन या सिचुएशन के लिए हमेशा जो है स्पेशल रिपोर्ट जो है वो लिखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट था मिनट बुक्स आर द डैश बुक ऑफ द कंपनी, तो क्या होता है सचुएरी आपका जो होता है यहाँ पर उनका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 3rd देखते हैं, द लेटर ऑफ क्रेडिट इशूड बाय, लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है वो इशू किया जाता है किसी बैंक बैंक द्वारा, ठीक है, बाय ए बैंक। एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट इज यूजली इन द फॉर्म ऑफ ए डैश कम्युनिकेशन, जो इनफॉर्मल रिपोर्ट होता है जनरली वो पर्सन टू पर्सन जो है के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्सन टू पर्सन। नेक्स्ट चलते हैं 25th क्वेश्चन पे, था इफेक्टिव बिजनेस लेटर मस्ट बी, इफेक्टिव कोई भी इफेक्टिव बिजनेस लेटर होता है वो क्या होता है आपका, ठीक है, वो हमेशा जो है वो रीडर ओरिएंटेड होता है, क्योंकि अब ऐसी बात है अगर जो पढ़ने वाला पढ़ेगा नहीं तो का मतलब है लिखने का, ठीक है। नेक्स्ट 6th चलते हैं, डेथ इज द लिस्ट ऑफ वर्ड यूज इन द रिपोर्ट, ठीक है, कौन सा आपका यूज होता है, तो इसमें यूज होता है आपका ग्लोसरी आपका जो है यूज होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो ग्लोसरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आपका 7th क्वेश्चन है, डैश डैश इज इन फिनिश्ड फॉर्म, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन जो होना चाहिए वो फिनिश्ड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 8th क्वेश्चन पे, देयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर, तो एक्चुअली क्या होता है जनरली अगर हम बोले सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर लगा सकते हो, लेकिन जनरली आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है इन द कंप्यूटर टर्म उसको प्रोग्राम बोला जाता है, और सेट ऑफ प्रोग्राम जो होता है वो सॉफ्टवेयर बोला जाता है। नहीं चलो ठीक है, इसमें और कोई ऑप्शन सही नहीं लग रहा है तो सॉफ्टवेयर लगाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, डैश इज द प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट एग्रीमेंट थ्रू कंसल्टेशन, ठीक है, उसको क्या होते हैं कंसेंसस, ठीक है, तो इसका आपका आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 10th क्वेश्चन पे, विच वन इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ बिजनेस लेटर, तो कौन कौन सा होता है, तो इनवेलप, दो इनवेलप तो बिल्कुल ही नहीं होता, ठीक है। तो सल्यूटेशन आपका होता है जहाँ पर आप डियर सर या सर या रिस्पेक्टेड सर लिखते हो, सब्जेक्ट होता है जहाँ पर आप सब्जेक्ट लिखते हो, कम्प्लीमेंट्री क्लोजर मतलब जहाँ पर यू सिंसियरली करके या लिखते हो लास्ट में, तो वह सब चीज़ें हो जाती हैं। 11th पे चलते हैं आपका, डरिंग लेटर आर ऑल्सो कॉल्ड, तो इसे बोलते हैं कलेक्शन ऑफ लेटर्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ लेटर बोलते हैं। 12th क्वेश्चन जैसे हाउ टू मेक ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन इफेक्टिव, कैसे आप करोगे, तो इसमें क्या लिखा हुआ है आपका, द पिक्चर आर कलरफुल, ठीक है, और उसके बाद आपका जो है यहाँ पर क्लियरली रिटन स्पीक पोटेंस, तो यहाँ पर एक्चुअली मेन आपका हो जाएगा कि अगर आप पिक्चर कलरफुल आप कर दोगे तो थोड़ा सा जो है थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाता है, तो जब मेन आपका जो होगा यही आपका होगा, ठीक है। नैन यहाँ 13th क्वेश्चन होता है, था इनसाइड एड्रेस शुड बी रिटन, तो इनसाइड एड्रेस जो होता है कहाँ पर लिखा जाता है, तो क्या लिखा है बिलो द सल्यूटेशन, ठीक है, अबव द हेडिंग अबव द सल्यूटेशन, एक्चुअली होता है अबव द सल्यूटेशन, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका ये सॉरी ये 14 क्वेश्चन है आपका, ठीक है, 14 क्वेश्चन है, आर रिपोर्ट प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू द फॉर्म एंड प्रोसीजर लेट डाउन लॉ इज कॉल्ड ए, ठीक है, जब लॉ के अकॉर्डिंग होगा तो अभी सी बात है उसको बोल जाएगा लॉ रिपोर्ट। 25 पे चलते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज, फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो होता है, ठीक है, वो इसको बोलते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कन्वर्सेशन, ठीक है, सामने बैठ के बगैती कर रहे हैं तो डायरेक्ट कन्वर्सेशन, ओरल में आप फोन पे भी कर सकते हो, ठीक है, तो जनरली ये नहीं होगा तो डायरेक्ट ही हो जाएगा वो।
16 पे चलते हैं, डैश कम्युनिकेशन जब मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग मैसेज। तो डैश कौन सा कम्युनिकेशन होगा? जनरली आपका जो होता है वो ओरल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। जनरली जो मोस्ट पॉपुलर तो जैसे आप लोग फोन पे बात करते हो, ठीक है, तो जनरली आप ओरल कम्युनिकेशन ही कर रहे हो, ठीक है। सामने किसी से बात करो, जनरली ओरल ओरल कम्युनिकेशन हो जाता है आपका। 17 जानते हैं मार्जिन टू ए लेटर इज लाइक, ठीक है। मार्जिन टू लेटर किस तरह से होता है? फ्रेम ऑफ ए पिक्चर, ठीक है। एविडेंस फॉर द कम्युनिकेशन इंजन टू ए मशीन, नहीं, इसका जो मेन होता है फ्रेम ऑफ ए पिक्चर। जैसे फ्रेम पिक्चर लगाते हो फ्रेम में, तो किराए किराए जगह गैपिंग छुट्टी होती है, जो थोड़ा सा आपका मार्जिन होता है, ठीक है। बैड लिसनर विल मेक डैश कम्युनिकेशन, तो गुड बैड एक्सेलेंट, तो यहाँ पर होगा, चलिए क्या होगा वो बैड कम्युनिकेशन। अगर आप अच्छे लिसनर नहीं हो तो आप अच्छा कम्युनिकेशन भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 19 पे, डैश द एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, तो इंक्लोजर लेटर टेलीफोन या फीडबैक, किसी भी कम्युनिकेशन फीडबैक जरूरी है, तो सामने वाला कितना सुन रहा हो ये मालूम होने चाहिए। 20 भी चलते हैं, डैश इज इम्पर्सनल एंड प्रोफेशनल, ठीक है। तो क्या होगा आपका इम्पर्सनल, मतलब पर्सन के हित में भी हो और प्लस प्रोफेशनल भी हो, तो काउंसलिंग होता है मेनली, ठीक है। 21 पे चलते हैं, डैश कम्युनिकेशन इज अनसुटेबल फॉर लेंदी मैसेज। अगर लेंदी मैसेज है तो ऑब्वियस सी बात है ओरल मैसेज कभी भी सुटेबल नहीं होगा, क्योंकि ओरल में भूल जाओगे क्या बात हुई थी, ठीक है। मतलब मैसेज हमारा जो, अगर मैं बहुत लंबा मैसेज दे रहा हूँ आपको, तो अभी कुछ ना कुछ जो है आपका गड़बड़ हो जाएगा, तो कभी भी सुटेबल नहीं हो जाता है। कंटेंट ऑफ ऑफर एंड कोटेशन आर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कंटेंट, कंटेंट ऑफ ऑफर एंड कोटेशन। जो कोटेशन होता है जनरली वो क्या करता है, वो डिटेल ऑफ प्रोडक्ट बता रहा होता है, ठीक है। 23 पे चलते हैं, द लेटर शुड बी बेस्ड ऑन, ठीक है। लेटर जो होता है वो हमेशा यू एटीट्यूड पे बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो बी वाला होता है, यू एटीट्यूड। 24 पे चलते हैं, बोल्ड कलर इन द रिपोर्ट इम्प्लाई, बोल्ड कलर जो होता है इन द रिपोर्ट वो आपको जो है वो बताता है पावर को, कि हाँ इस वर्ड में कुछ है, ठीक है। देन 25 जो होते हैं, सेकंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, द पार्टिसिपेंट ऑफ ए बोर्ड में मीटिंग आर, जो पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो क्या बोलते हैं? अभी किसी मीटिंग में मेंबर होते हैं, बोर्ड मीटिंग के हैं तो मेंबर होते हैं, ठीक है। ये चलते हैं 26 पे, इसके बाद 26 बताने से पहले बताता हूँ मैं, इसके बाद एक वीडियो, लास्ट वीडियो आएगा इस नंबर पे, वो थर्ड यूनिट पे बेस्ड होगा, तो उसको भी ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो 26 पे चलते हैं, अ रिपोर्ट गिवन बाई ए सेक्रेटरी टू द मार्केटिंग डायरेक्टर मे बी कॉल्ड एज, ठीक है। तो ये जो आपका होता है वो आपका होता है फॉर्मल रिपोर्ट, क्योंकि आप जो सेकेंडरी सेक्रेटरी टू जो मार्केटिंग डायरेक्टर को दे रहा, तो अभी बात है इनफॉर्मल तो देगा नहीं है, ओरल या पर्सनल नहीं देगा, तो फॉर्मल रिपोर्ट ही देगा, वह तमीज से लिखा जाएगा, ठीक है। घूम फिर की बात ये है, तो यहाँ पर ये पार्ट खत्म होता है। अगर ये पार्ट अगर हेल्पफुल हो रहा है आपके लिए तो अच्छी बात है। मुझे एग्जाम देने के बाद जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपका एग्जाम कैसे गया, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन फंसे कि नहीं फंसे, कैसा हुआ मुझे जरूर बताएगा। तो इसके बाद लास्ट पार्ट में लेके आऊँगा, आज ही लेके आऊँगा, ठीक है। इसमें थर्ड यूनिट कवर हो जाएगा आपका, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।